प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे NCERT विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर और उसके संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देर के। तो आगे देखें तो आप देख सकते हो ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आप चाहे तो इन सभी को नोट कर ले कॉपी में, और इसी के साथ में अगर आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। अब इसको समझ लेने के बाद में अब आगे देखें तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ये भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप सभी लोग इनको नोट कर लें जिससे कि आपको परीक्षाओं के समय कोई दिक्कत ना आए। और कुछ प्रश्न ये भी है एक वाक्य में उत्तर वाले, आप इनको भी बराबर नोट करते चले। तो इन सभी को समझ लेने के बाद में अब हम आगे समझते हैं कुछ और एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न जो कि ये रहे। आप इन सभी को देख ले और नोट भी करते चले बराबर। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि NCERT विज्ञान कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित है पार्ट 5 में से। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इन सभी को जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लें। और आगे देखें तो ये जोड़ी मिलान है, जोड़ी मिलान का उत्तर इस तरफ दिया गया है, आप देख सकते हो राइट साइड में इनके उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बात करें तो अति लघुत्तरी प्रश्न समझ लेते हैं। ये कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार आते हैं, वही ये प्रश्न हैं, और इस बार की वार्षिक परीक्षाओं में भी 100% ये आने वाले हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर बहुत ही अच्छे से नोट कर लें, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित है और बहुत ज़्यादा बार ये पूछे गए हैं। अब आगे बात करें तो कुछ प्रश्न और देखते हैं हम। तो आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट बराबर लेते चले और कहीं ना कहीं पर अपनी कॉपी में इनको नोट कर ले जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अब प्रश्न क्रमांक 4 समझते हैं, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं। अब लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें तो लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो आप इसको देख सकते हो और साथ साथ में आप इसको नोट भी कर लीजिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले प्रश्नों को, जो कि कुछ प्रश्न ये रहे, आप इनको बराबर समझ लें। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वार्षिक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी आता है। इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लें। NCERT विज्ञान कक्षा 9वीं सभी बोर्ड के लिए एक जैसी NCERT पुस्तकें हैं। तो आप कोई सा भी बोर्ड हो चाहे आपका, अगर आपकी बोर्ड में NCERT विज्ञान चलता है तो आप सभी के लिए ये बताए गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इनको नोट कर लें। और आगे इसी क्रम में हम बात करें तो कुछ ये चित्र हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षाओं में। तो आप इनको नोट कर लें, NCERT विज्ञान के ये चित्र हैं कक्षा 9वीं के। तो आप जैसे कि देखिए पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का चित्र जरूर बहुत ही अच्छे से बनाना आप सीख लें, क्योंकि बहुत बार ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, और उसी प्रकार से जंतु कोशिका का चित्र भी कई बार पूछा जाता है। आप इन सभी चित्रों को अच्छे से बनाना सीख लें। और इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो प्रश्न क्रमांक 3 है प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक वर्णात्मक परिगाम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट जरूर बराबर लेते चले जिससे कि आपको इनको नोट करने में फिर कोई तकलीफ ना आए। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न इस पाठ से, जो कि वार्षिक परीक्षाओं में या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में त्रैमासिक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आप देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ है कोशिका विभाजन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है इसके उत्तर में दिखाया गया है, आप चाहे तो इसको आसानी से नोट कर सकते हो। इसी के क्रम में हम आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये भी हैं, आप इनको भी नोट करते चले बराबर। और इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 3 देखिए पेशी ऊतकों के चित्र बनाइए। तो ये पेशी ऊतक हैं जो कि किस प्रकार से इनके चित्र बनते हैं आप देख सकते हो। और इसी क्रम में कुछ चीज़ें और ये भी है, आप इन्हें भी देख ले बराबर। और प्रश्न क्रमांक 4 है पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, रेखी पेशी व आरेखी पेशी को समझाइए। तो आप इन सभी को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर बराबर लेते चले जिससे कि आपको इनको नोट करने में कोई परेशानी ना आए। अब आगे अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, आप इसको देख लें। अब आगे देखें तो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने NCERT विज्ञान कक्षा 9वीं के अध्याय 5 के जितने भी महत्वपूर्ण निर्धारित प्रश्न थे मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सभी ने इनको नोट भी कर लिया होगा।
इसी के साथ में वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।